बालाघाट के कोविड केयर सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जाम छलकाने और चिकन खाने की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें और वीडियो बालाघाट के गायखुड़ी में स्थित एक कोविड केयर सेंटर का है। वहीं जिला प्रशासन जांच कराने की बात कर रहा है। वायरल तस्वीरों और वीडियो में 8-10 लोग बैठे हुए हैं और वे शराब के साथ चिकन खा रहे हैं। तस्वीरों के सामने आने पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इस वीडियो में बकायदा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों का नाम और व्यवस्थापक का नाम ले रहे हैं। पूरे मामले के सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि कोविड सेंटर में दारू और चिकन कैसे और किसकी अनुमति से ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि आए दिन बालाघाट के कोविड अस्पताल में अव्यवस्था का आलम देखने को मिलता है, जिसके वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले में CMHO डॉक्टर मनोज पांडे का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं ठेकेदार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा और जांच उपरांत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये गोंगलई में कोविड केयर सेंटर है सर, यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है सर, क्या मामला था पूरा? तो ये जो मामला है जो भी है अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और बड़ी शर्मनाक बात है जो वहाँ पे इस प्रकार की घटना हुई है। और हम लोगों ने देख करके उसमें जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे 4, उनको तो सस्पेंड कर दिया है और जो ठेकेदार के कर्मचारी थे उनको ठेकेदार को नोटिस अभी दिया है कि उनको तत्काल से पृथक करें। और इसके अलावा एक कर्मचारी और आयुष विभाग का है, तो इसमें हम आयुष विभाग के अधिकारी को भी लेटर लिख रहे हैं कि उनको भी आवश्यक कार्य की जाए। अभी सीधे सस्पेंड कर दिया है। FIR की भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, FIR की भी। ठीक, बाइट ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।